तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। और कई क्वेश्चन बहुपद द्विघात समीकरण दिया रहता है, कहता है हमको कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, तो काफ़ी बच्चे को कुछ कन्फ्यूजन होती रहती है। ठीक है, आज हम इसको देखने वाले हैं। वीडियो पूरे अंत तक बना रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस बार जो है ना VBI 2022 के लिए, तो इस क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, इसको समझिएगा किस तरह इसको बनाया जाता है, तो आपका जो 2022 में जो बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा ये नंबर, तो आपको दो नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो आपको पूरा समझना होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि इस तरह का जो समीकरण दिया रहता है, तो उसको गुणनखंड तरीका से उसका मूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि से इसका मूल ज्ञात करना, मतलब मेरा x का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। देखिए, आपको हम दो क्वेश्चन यहाँ दे दिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दो है, एक यहाँ पे जिसका गुणांक दो है, एक है जिसका एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना? दो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिपेंड है, यहाँ पे क्या डिपेंड है, ये दोनों हम देखेंगे। ठीक है, तो काफी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इस टाइप के क्वेश्चन में और इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आज हम इसी दोनों को देखने वाले। तो पहले हम इसको देख लेते, फिर हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? दो। और एक्स गुणांक -7 और 3। हमको सबसे पॉइंट वाली बात, हमको सबसे पहले पकड़ना है किसको है, एक्स स्क्वायर वाले गुणांक। ठीक है, हमको कुछ ऐसा करना है कि इस एक्स स्क्वायर वाले गुणांक को हमको हटाना, मतलब हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक को मेरा हटा देना है। एक्स स्क्वायर गुणांक इस तरह का हमको करना है, इस तरह का, मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका गुणांक को हटाने के लिए, आपकी दो को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ दो है तो सब में क्या करना पड़ेगा, दो से भाग करना पड़ेगा। आप भी इसी तरह कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का जितना भी गुणांक रहे, दो रहे, चार रहे, पाँच रहे, कुछ भी रहे, आप उसको जितना एक्स स्क्वायर गुणांक उतना में सबसे क्या कीजिए, भाग लगा दीजिए और सबको उसको पहले हटा दीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर को जो है एक्स स्क्वायर गुणांक उसको हटा दीजिए। तो देखिए कैसे, यहाँ पे दो है ना, था हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हल लिखना है तो हल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम में इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए देखिए, एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका गुणांक कितना है, दो, तो सब में दो से क्या करना है, हमको भाग कर देना। यहाँ पे लिखना है 2x² और डिवाइड बाय कितना, 2। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है, सॉरी माइनस है तो माइनस लिखना है। ठीक है, ये हुआ मेरा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे 7x था, इसको तो जेम बात रखना है और डिवाइडेड बाय क्या बोले थे, 2 से सब में भाग लगाना है, तो 2 से लगा देंगे, प्लस 3 है तो 3 रखेंगे और डिवाइडेड बाय 2 लगा देंगे, क्योंकि सब में लगाना है, 0 / 2 हमको सब में लगाना है। ठीक है, 0 है या कुछ भी, बराबर के उस तरफ रहे या बराबर के, हमको कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हमको करना है। अब देखिए, ये 2 कैंसिल, हमारा यहाँ पे क्या बच गया, बोले एक्स स्क्वायर बचा ना, और यहाँ पे मेरा कितना बच गया, 7x / 2, और यहाँ मेरा कितना बच गया, प्लस 3/2। आइए 0 को डिवाइड किया तो 0 ना होगा भाई, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा 0। कोई दिक्कत? एकदम पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आ ही जाएगा, आज क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि चर वाले को एक तरफ रखते हैं और अचर वाले को एक तरफ रखते हैं। इसका मतलब कि ये एक्स स्क्वायर वाले को इधर रखेंगे, जो एक्स वाला है एक्स वाले की तरफ, आइए बिना एक्स वाला है ना, ये जो बिना एक्स वाला तो उसको उधर फेंक देंगे, मतलब बराबर को उस तरफ, तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो ये प्लस वाला है, तो जाहिर सी बात है ये प्लस वाला तो उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस में बन जाएगा, तो ये -3/2। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, यहीं पे आपको कमाल है, कमाल यहीं पे है, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको लगाना है, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। देखिए, मेरा x वाला, एक्स स्क्वायर वाला मेरा लेना देना कुछ नहीं, मेरा x वाला चाहिए। x वाला कितना भाई, 7/2, कुछ भी रहे x गुणांक में, x गुणांक में कुछ भी रहे, हमारा x स्क्वायर गुणांक वाला था खत्म कर दिया, हमको इसको अकेला करना था। अब यहाँ x गुणांक में कुछ भी रहे, उसमें करना क्या है, देखिए x गुणांक में हमको इसको ज्यों का त्यों लिखना है, आइए माइनस। ठीक है, अब मेरा x गुणांक में कुछ भी है, क्या 7/2 है ना x गुणांक में, तो हमको क्या करना है कि प्लस लिख करके अपने मर्जी से, देखिए प्लस लिख करके घेरना ब्रैकेट में, और -7/2 है, आप कुछ भी रहे, मान ले कुछ भी रहे यार, एक्स गुणांक कुछ भी रहे, उसको लिखना है यहाँ पे, तो हमको 7/2 लिखे, प्लस करके 7/2, गौर से देख लीजिए, एक्स गुणांक कुछ भी रहे, ये माइनस रहे प्लस, हमको ये माइनस प्लस लेना देना नहीं, ये हमको सिर्फ प्लस, हमको प्लस लेना दोनों तरफ, इधर भी उधर भी। ठीक है, तो हम प्लस ले लिए और गुना अपने मर्जी से 1/2 से कर दिए और उसका होल स्क्वायर कर दिए। इतना आपको बस अपने मर्जी से थोड़ा मान लेना, ये पूर्ण वर्ग विधि का एक ट्रिक बनाने का। ठीक है, तो इसका मतलब कि x गुणांक कितना रहे भाई, 5 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कुछ भी रहे, पे मेरे को डिपेंड नहीं करता, हमको वो चीज़ यहाँ लिख लेना है और गुना कितना से, सब में 1/2 से गुना करना है, जो x का गुणांक रहेगा वो जोड़ करके x का गुणांक जो रहेगा उसको लिखना है और उसके बाद 1/2 सब में गुना कर देना, उसको एक्स स्क्वायर कर दें। अब जब इधर किए हैं तो बराबर के उस तरफ भी करना मेरा लाजमी बनता है, इसका मतलब कि -3/2, और जब इधर जोड़े हैं तो सेम चीज़ इधर भी लिख देंगे, इसका मतलब कि जो यहाँ पे लिखे हैं पूरा इधर भी, तो 7/2 प्लस सॉरी गुने 1/2 का होल स्क्वायर,
कोई दिक्कत, मतलब इधर लिए इधर भी लिए। अब भाई लिए तो बता दीजिए, ये प्लस वाला ये प्लस वाला, अब ये प्लस वाला इधर आ जाएगा माइनस, इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल, फिर तो वही ना आ जाएगा हमको। तो इस हिसाब से लेना है कि जो कट करके फिर वही आ जाए, ठीक है। आप यहाँ पे प्लस लेते, यहाँ पे माइनस नहीं ले सकते, ठीक है, दोनों तरफ प्लस ही लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा हुआ मेरा कंसेप्ट, ये आपको कंसेप्ट यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप पुनर्वर्ग विधि कोई भी विधि वो बना सकते हैं, पुनर्वर्ग विधि कोई भी मतलब बना सकते हो, कितना कोई भी सवाल क्यों ना हो जाए, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा काम, अब हमको करना क्या है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, देखिए अब क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस टू ए बी हो जाएगा, कैसे, अब देखिए यहाँ पहले हम एक स्टेप कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस सेवन एक्स डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, ये प्लस हुआ और उसको गुना कीजिए, सात को वन से गुना कीजिए सेवन डिवाइडेड बाई दो को चार से गुना कीजिए चार, दो के दो से गुना कीजिए चार, सॉरी इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब बराबर इसको क्या करेंगे, सेम टू सेम सेवन डिवाइड थ्री डिवाइडेड बाई टू, अब प्लस इसको भी सेम टू सेवन डिवाइडेड बाई फोर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा देखिए इसको यहाँ पे, इसको थोड़ा सा घेर देते हैं, इसको बाद में बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है, गौर से देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई इसको क्या लिखें, तो सबसे पहली बात यहाँ देखिए ये चीज क्या है, माइनस है, इसका मतलब ये चीज मेरा माइनस है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमको बनाना है किसी तरीके से भी। अब किस तरीके से, देखिए ये एक्स स्क्वायर है ना, तो हमको चुपचाप यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे एक्स लिख लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर, इसका चुपचाप हमको एक्स लिख लेना है, और ये माइनस है ना, तो ये माइनस हमको यहाँ लिख लेना है, ठीक। गौर से यहाँ पे कुछ भी रहे, यहाँ प्लस रहे तो प्लस लिखिए यहाँ पे, और माइनस रहेगा तो माइनस लिखिए, ठीक है, गौर से दिखता रहिए। तो यहाँ पे क्या, इसमें हमेशा प्लस ही लेना है, माइनस वाला नहीं लेना, ठीक है, प्लस में ही लेना, ठीक है। तो ये एक्स था, तो हम एक्स स्क्वायर सिर्फ एक्स लिखे, अब हमको इससे इसको इसको भूल जाइए, ठीक है, इसको भूल जाइए, हमको यहाँ पे माइनस का काम था, माइनस लिख लीजिए। अब यहाँ सेवन डिवाइडेड बाई फोर है ना, तो हमको सेवन डिवाइडेड बाय माइनस सेवन डिवाइडेड बाय हमको फोर ले लेंगे, और उसका होल स्क्वायर कर लेंगे, समझे, उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। अब होल स्क्वायर किएंगे, अब हमारा सही है या गलत है, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ के देखिएगा तो आपको यही आएगा, एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है, आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस रहेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब इधर का गुणा करते हैं, अब इस तरह का क्या करेंगे, माइनस थ्री है तो जीएम करते हो बट्टा बगा, यहाँ पे क्या प्लस है तो प्लस, सात का स्क्वायर कितना होगा बोले उनचास, चार का कितना होगा बोले सोलह। अब क्या करेंगे, इसको जीएम करते हो रखेंगे माइनस सेवन एक्स माइनस सेवन का फोर, सेवन बट्टा फोर का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, अब क्या लिखेंगे, इसका क्या करें बट्टा, इसका जीएम कितना है बोले सोलह, अब सोलह का आठ थ्री के चौबीस मतलब माइनस चौबीस आता ना बट्टा बगा घटा, वो तो आता ही होगा, है ना, प्लस अब सोलह कम सोलह तो उनचास एकम उनचास, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए इसको भी जीव कहते हो, हम क्या बोले इसको छेड़छाड़ अभी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना छेड़छाड़, इसको जीव कहते हो। अब यहाँ देखिए चौबीस में से उनचास गया है ना, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर कितना में आएगा, आंसर प्लस में, इसका मतलब चौबीस उनचास गया कितना आएगा बड़े पच्चीस आएगा मेरा, डिवाइडेड बाय सोलह जीव कहते हो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये एक्स स्क्वायर है ना, उधर हम रूट चढ़ा देंगे, एक्स स्क्वायर जब ये बराबर को उधर जाएगा तो पता है आपको रूट चढ़ जाता है, रूट बराबर का हमेशा उधर जाता है, क्या होता है स्क्वायर चढ़ा जाता है, याद है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाई फोर जीरो करते हो लिखेंगे, और ये एक्स स्क्वायर को भगा करके उधर रूट चढ़ा देंगे, पच्चीस बट्टा सोलह पे आ गया रूट, समझो इसी तरीके से आपको सबको करना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ देखिए तो इसको जीरो करते हो रखना है बराबर, पच्चीस का रूट कितना, पच्चीस का रूट कितना निकलता है बोले पाँच, यहाँ लिखिएगा पाँच डिवाइडेड बाय चार, सोलह का कितना निकलता है चार, चार। अब क्या कीजिएगा, ई माइनस सेवन वट्टा चार को उधर भेज दीजिए, कह लीजिए माइनस सेवन वट्टा चार को उधर भेज दीजिए, तो फाइव। अब एक बार सबसे पहले पॉइंट पर लिखा है बात, ई ध्यान दीजिए यहाँ, सॉरी ध्यान दीजिएगा, जब ये कोई भी संख्या रूट से बाहर निकलता है ना, तो वो क्या निकलता है, प्लस माइनस के साथ निकलता है, क्या निकलता है, प्लस माइनस के साथ निकलता है, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। इसका मतलब ये प्लस माइनस के साथ निकला तो हमको निकला यहाँ पे प्लस माइनस फाइव बट्टा फोर, और ये माइनस उधर चला गया तो प्लस सेवन वट्टा फोर, है ना, माइनस सेवन वट्टा फोर उधर गया तो प्लस सेवन वट्टा फोर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो भाई यहाँ पे जगह तो है ही नहीं, कहाँ बनाए, दिख रहा है यहाँ पे, चलो दिख रहा, हम देख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एक्स लिखना है, एक बार लिखना है प्लस वाला, एक बार लिखना है माइनस वाला, मतलब कि प्लस वाला ये एगो, एगो प्लस वाला था, फाइव बट्टा फोर प्लस सेवन डिवाइडेड बाई फोर, और एगो लिखना है हमको माइनस वाला, तो माइनस फाइव बट्टा फोर प्लस सेवन डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है। इस तरीके से हमको दोनों लिख लेना है, ठीक है, एक बार माइनस वाला एक बार प्लस वाला लिखना है, एक बार माइनस वाला लिखना, प्लस तो दिखाते नहीं, इंडिकेट नहीं करते प्लस को, इसलिए नहीं दिखा रहा,
अब यहाँ देखिए क्या करना है, इसको क्या घटा जोड़ घटा कर दीजिएगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, चार, चार एलसीएम आएगा इसका, इसका एलसीएम आ गया चार, और चार एलसीएम आया, यहाँ गौर से देखते रहिएगा, थोड़ा अरेंज कर दें, जगह नहीं है ठीक है, तो चार एलसीएम आया तो इसका एलसीएम लिए चार, ठीक। अब यहाँ पे चार लिए तो दोनों का सेम सेम, मतलब पाँच चार नौ, इसका मतलब कितना आ जाएगा, जा सॉरी पाँच चार नौ कहते हैं, पाँच एकम पाँच और सात प्लस सात है ना, प्लस सात सिम टू सिम, इसमें भी एलसीएम कितना आया, चार आया, इसका मतलब है कि माइनस फाइव और प्लस सेवन, आया कि नहीं यार, आया कि नहीं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको सात पाँच बारह डिवाइडेड बाई फोर हो जाएगा, और इन टू दिखाई पड़ रहा है यार, हम बोल रहे हैं सात पाँच बारह बट्टा फोर हो जाएगा, और यहाँ पे इसको घटा दीजिएगा, तो माइनस में इसका मतलब इसको घटाइएगा तो आंसर कितना आएगा, प्लस में आएगा, तो सात में पाँच में से दो चला, मतलब सात चला गया, कितना बचा, दो डिवाइडेड बाई फोर। अब इसको काटिएगा तो चार तीन बारह, इसका मतलब यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ दिखा देते हैं, एक्स बराबर मेरा निकलेगा, इसको काटिएगा तो चार तिया बारह, मतलब x बराबर थ्री, और इसको काटिएगा तो डिवाइडेड बाई, मतलब इसका मतलब कि वन डिवाइडेड बाई टू, इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरा, वन डिवाइडेड बाई टू, चार तिया बारह कट जाएगा, ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। इसी तरीका से इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं, काफ़ी आसान लगा होगा, थोड़ा सा लंबा है बट यहाँ पे आपको कंसेप्ट करना, यहाँ पे आप कंसेप्ट कर लेते हैं तो आप पूर्ण वर्ग विधि को बहुत आसान तरीका से आप बना सकते हैं, आपका कैलकुलेशन आपको डिपेंड करता है, अगर आपको कैलकुलेशन आता है, थोड़ा सा जोड़ करना भाग आता है तो आप इसको बना सकते हैं। तो ये तो हो गया ये वाला, जब x का गुणा गुणांक में हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ हो, अब ये तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ है नहीं, इसको कैसे बनाइएगा भाई, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, अगर इसको उतारना है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको उतार लीजिए। अब भाई यहाँ पे हम इसको थोड़ा हिंट कर देते हैं, ठीक है, हम आपको इसको हिंट कर देते हैं, आप एक बार ट्राई करके देखिए, इतना तो कैपेसिटी होगा कि आप बना सकते हैं, इतना आसान तरीके से बता दिए, ठीक है, हम आपको इसको हिंट कर देते हैं, आप इसको बनाकर एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है, तो आइए देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहली बात, इसका गुणांक है ही नहीं, इसका गुणांक हटाने का कोई जरूरत मेरा काम है नहीं, फिर भी मान लेते कि इसका गुणांक कितना एक है, जब गुणांक कुछ नहीं तो क्या है, गुणांक तो एक होगा ना, चलिए हम इसको मान लेते हैं गुणांक कितना मेरा एक है, तो हम गुणांक एक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन कर दिए, सबको अपने मर्जी से, आसान में क्या किया, वन से क्या किया, हम डिवाइड कर दिए, ठीक है, वन से क्या किया, भाग लगा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत, बराबर जीरो डिवाइडेड बाई वन, अपने मर्जी से, कन्फ्यूजन कोई बात नहीं है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना, कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इसका गुणांक वन था तो हम वन से गुणा कर दिए, ठीक है, वन से क्या किया, सॉरी भाग कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वन वन समझ कैसे लगे तो मेरा बच गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक थिंकिंग कर लेते हैं, बनाने का एक थोड़ा सा मैथड ये है, थोड़ा सा तरीका ये है कि आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे वन बट्टा वन, इसका मतलब एक्स डिवाइड बाई वन आएगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, ये तो जीरो हो गया, आइए उधर चला गया क्या, प्लस टू डिवाइडेड बाई वन, कोई दिक्कत, देखिए उसका कंसेप्ट था क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको जो बताओ रखेंगे हम, पहले बताइए प्लस यहाँ पे हम क्या बताएं, वन इसका मतलब इसका गुणांक कितना वन है, तो यहाँ पे वन वन डिवाइडेड वन है, इसका मतलब इसको जीरो करते हुए रखना है और डिवाइडेड हमको वन करना है, हमको अपने मर्जी से जोड़ लेना है, क्या इसका गुणांक कितना है, वन डिवाइडेड बाय वन है, एक्स का गुणांक कितना है, वन डिवाइडेड बाय वन है ना भाई, वन डिवाइडेड बाय वन, और अपने मर्जी से हम पहले बताए गुणांक कितना से करना है भाई, वन बट्टा टू से, जितना है वन बट्टा टू से करके इसको क्या करना है, होल स्क्वायर चढ़ा देना है, और बराबर जो इधर लिए सेम उधर भी ले लेना है, तो वन डिवाइड टू डिवाइडेड बाय वन है, प्लस जो इधर लिए उधर भी ले लो, तो वन डिवाइडेड बाय वन गुना वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसको जीरो का तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ये तो एक्स है मतलब ये एक्स है, अब वन नहीं लिखते इसमें, नहीं लिखते ठीक है। अब प्लस अब देखिए वन को वन से गुना कीजिएगा टू को, तो कितना वन वाटा टू ये ना आ जाएगा, तो वन वाटा टू का कीजिए जाएगा होल स्क्वायर है कि नहीं, अब बराबर इधर भी क्या होगा टू डिवाइडेड बाई वन प्लस वन वाटा टू का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, रही कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिला है कि नहीं, अगर नहीं समझ आएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम पहले बताइए, ये एक्स यहाँ पे लिखना है, ये देखते रहो ये एक्स यहाँ लिखना है, और यहाँ पे किंजिए प्लस है तो ई प्लस लिख लेना है, और इसके अंदर किंजिए वन अट्टा टू तो वन अट्टा टू लिखना है, अब पूरा वह किंजी कर देना होल स्क्वायर, क्या करना है होल स्क्वायर, और यहाँ आपको करना है क्या टू अट्टा वन द वन लिखना जो करते हो प्लस वन का स्क्वायर वन और टू का स्क्वायर फोर, कोई दिक्कत नॉट एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, आगे देखते हैं इसको जो बताते हैं लिखना अभी x प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर बराबर, इसका कल चार का एलसीएम ले भी कितना था बड़े चल चार ले भी एलसीएम तो चार चार एक तो बंद चार दूना आठ यहाँ तो कितना आया था आठ अब प्लस चार एकम चार तो एक एकम एक है कि नहीं बट्टा पे जोड़ा हो ना यार आते ही हो तो अब इसको क्या करेंगे x प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द सॉरी बराबर इज इक्वल टू 819 डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या बोले थे ये जोड़ने के बाद जितना बच जाएगा स्क्वायर को उधर जाके रूट चढ़ा देंगे ठीक है
यहाँ पे आइए एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू बराबर, इस पर क्या किया रूट स्क्वायर हटा तो ये रूट चला दिया नॉन डिवाइडेड बाई फोर, है कि नहीं। अब मेरा बस यहाँ पे x प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इजिकल टू नाइन निकला कितना थ्री डिवाइडेड बाई ये निकला दो। अब क्या करेंगे इसको तो यहाँ ये जो निकलेगा किन चीज़ में निकलेगा प्लस माइनस में, याद रखिएगा प्लस माइनस में निकलेगा ठीक है, ये चीज़ को थोड़ा कंसेप्ट इसको याद रखिएगा, इसलिए आपको तभी दो आंसर निकलेगा ठीक है। ये मेरा किन चीज़ निकला प्लस और माइनस में ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे इस प्लस प्लस दो को उधर भेजेंगे तो x बराबर प्लस माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, ये प्लस उधर गया तो माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। अब क्या करेंगे x का दो में बांट देंगे, इसका मतलब प्लस वाला थ्री प्लस टू थ्री बट्टा टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इन टू, एगो माइनस वाला माइनस थ्री बट्टा टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए ना यार दो में बांट दिए प्लस माइनस ना तो दो में बांट दिए, एगो प्लस वाला ले लेगा माइनस वाला, इसका एलसीएम कितना है इसका एलसीएम दो आया तो थ्री बट माइनस वन है कि नहीं, इसका भी एलसीएम दो आया तो माइनस थ्री या माइनस वन, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे यहाँ पे घटा दिए कितना आया दो डिवाइडेड बाई दो, इसका कितना आ रहा है जोड़ दिए तो माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू, आई इसको काटिए तो कितना आ गया आंसर है वन, इसका काटिए तो माइनस, इसको काटिए तो माइनस टू। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मान निकाले ना एक्स का जो मान निकला एगो मेरा एक्स का मान निकला वन एगो निकला कितना माइनस टू। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं वर्ग पूर्ण वर्ग विधि को हल करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और कुछ समझ भी आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अभी तक मेरे चैनल पर नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है उससे रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इसीलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।